युद्ध और महिलाएं। जैसा कि हमने पहले देखा था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विभिन्न देशों में महिलाओं की स्थिति में बहुत तेजी से बदलाव हुए। ज़्यादातर नौजवान पुरुषों के सेना में भर्ती होने के कारण अब महिलाओं को कारखानों और खेतों में काम करने के लिए आगे आना पड़ा। घर में कमाने वाले पुरुष न होने से महिलाओं को घर संभालने के साथ साथ मजदूरी के लिए बाहर काम करना पड़ा। इसका महिलाओं पर गहरा असर पड़ा। वे अपने आप को अधिक स्वतंत्र और सामाजिक रूप से जिम्मेदार महसूस करने लगीं और अपने हितों व अधिकारों की रक्षा को लेकर सचेत हुई। युद्ध खत्म करने व शांति बहाल करने की मांग को लेकर महिलाओं ने कई देशों में आंदोलन किया, क्योंकि युद्ध की विभीषिका से पहले अधिक महिलाएं ही प्रभावित थीं। जगह जगह महिलाओं के संगठन यह मांग करने लगे कि महिलाओं की बदलती भूमिका को देखते हुए उन्हें संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। सबसे पहले ब्रिटेन की संसद ने सन 1918 में 30 वर्ष से अधिक उम्र की संपत्तिवान महिलाओं को वोट देने का निर्णय हुआ। जर्मनी और रूस की क्रांतिकारी सरकारों ने भी वयस्क महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। शांति समझौते। सन 1919-20 में विजयी राष्ट्र, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इटली प्रमुख थे, ने पराजित देश के प्रतिनिधियों के साथ समझौते किए। जर्मनी के साथ वर्साई संधि, ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मन संधि, हंगरी के साथ ट्रियानैन संधि, तुर्की के साथ सेवरे की संधि और बुल्गारिया के साथ न्यूली की संधि की गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण संधि जर्मनी के साथ की गई वर्साई की संधि थी। युद्ध के बाद किस तरह की व्यवस्था हो, इस पर शुरू से ही चर्चा चल रही थी। रूस की क्रांतिकारी सरकार ने नवंबर 1917 में पहला कदम उठाते हुए ऐलान किया कि वह बिना कोई शर्त युद्ध से हट रही है, और उसने अन्य युद्धरत देशों से अपील की कि वे न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक शांति के लिए तत्काल कदम उठाएं। ये सिद्धांत ज़्यादातर यूरोपीय सरकारों को पसंद नहीं आए, मगर युद्ध से थके हारे सैनिकों व मजदूरों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। पूरे यूरोप में इनके समर्थन में जुलूस निकलने लगे और चर्चा होने लगी। इनकी लोकप्रियता को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने शांति के लिए 14 बिंदुओं की घोषणा की। विल्सन ने भी गुप्त संधियों का विरोध किया। हर राष्ट्रीय समूह ने आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया और सारे युद्धरत देशों ने लोकतंत्र की स्थापना पर जोर दिया। साथ ही विल्सन ने सभी देशों के बीच खुले और बेरोक टोक व्यापार, हर देश के लिए समुद्री यातायात पूरे रूप में खुला हो, निशस्त्रीकरण और एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो देशों के बीच के विवादों का निपटारा करे और उनके बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा दे की वकालत की। विल्सन के 14 बिंदुओं में शर्त भी थी कि जर्मनी ने सन 1870 से जो भी क्षेत्र दूसरे देशों से हथियाए थे उनकी वापसी होगी और पोलैंड एक स्वतंत्र राज्य बनेगा।